कार्यक्रम के पुण्याचक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। बहुत पक्का सिद्धांत हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना, कान खोल के सुन लेना, और कान खोल के नहीं समझ में आ रहा हो तो कान मरोड़ के सुन लेना, ये बात को गांठ बांध के रख लेना। जो 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 भी दोष कर रहे हो, और दोष तो पांच ही प्रकार के होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन पांच में से जो भी दोष आपके भीतर आ गए हों और आप भगा ना पा रहे हों, तो उसको एनालाइज करो, ये दोष मेरे पास कब से शुरुआत हुआ। सब सब हर व्यक्ति अपने अंदर जाके देखना, और आप पाएंगे वो दोष करने वाला अकेला मैं नहीं था, कोई दूसरा था। उसको देख करके मैंने कहा, अरे ये ऐसा करता है, फिर मैं कहने लग गया, अपने आप से भी बार बार कहने लग गया, दूसरों से भी कहने लग गया, और धीरे धीरे उस दोष के प्रति मैं बहुत कॉमन हो गया। और जैसे ही कॉमन हुआ, नहीं कि वो दोष तो घात लगाए बैठा था, कौन मेरे लिए सैन लगाता है मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। इसलिए वो जो दोष कर रहा है वो तो अपना पाप का घड़ा भर रहा है, लेकिन तुम कह करके अपने भीतर दोष लाने का प्रयास भी मत करो, और थानेदार और ठेकेदार बनने का प्रयास भी मत करो। सारे काम आसान हो जाएंगे। एक पंक्ति बहुत वजनदार पंक्ति है, आज के प्रवचन का सबसे मूलवान सूत्र हमने आपको दे दिया, करने वाले के दोष कहने वाले में तुरंत आने लग जाते हैं। आज इसकी माला फेर लेना, नवोकार मंत्र की एक माला कम हो जाए तो कोई बात नहीं, इस पंक्ति की माला फेर लेना। गुरुदेव का वाक्य है, मंत्र से कम नहीं है। सबसे बोल रहे हैं, महिलाओं से भी बोल रहे हैं, पुरुषों से बोल रहे हैं, बच्चों से भी बोल रहे हैं, युवाओं से भी बोल रहे हैं, करने वाले के दोष कहने वाले में तुरंत आने की संभावना बढ़ जाती है, आ ही जाते हैं। अब बताओ, यदि तुमने इसकी माला फेर ली तो कल तुम किसके दोष दोषों से कह पाओगे? कह पाओगे बताओ, कह पाओगे? तो महाराज, क्या कोई दोष करता जाए हम कुछ ना कहें? फिर बन गया ठेकेदार, बन गया थानेदार। अच्छा ये बताओ, दुनिया में कितने दोषियों को देख करके तुमने उनको हवालात भेज दिया? क्या दुनिया में दोष नहीं होते? तुम्हारे घर में दोष नहीं होते? पड़ोस में दोष नहीं होते? कितनों को भेज दिया तुमने? भेज पाए आज तक? किसी को नहीं भेज पाए, लेकिन खुद को कैद खाने में आज तक भेजते रहे। यही तो आजाद भारत के गुलाम व्यक्तियों की नसीहत है। मैं ऐसे ही ऐसी चीजों को लाके बताऊंगा कि गांधी जी ने क्यों आखिरकार ये कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं दूंगा जो परिश्रम में विश्वास नहीं करता होगा। अब प्रश्न उठता है कि परिश्रम करने ही वाला मात्र बुद्धिमान होता है क्या? जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उसके पास तो बुद्धि है, तब तो ऑफिस तक पहुंचा है बिना परिश्रम के भी। लेकिन गांधी जी का इस बात को कहते वक्त बहुत बड़ा एक नापमिक रहस्यपूर्ण मंतव्य था। वो ये था कि राजतंत्र तो कोई बात नहीं, और भारत के लोगों को अभी तक राजतंत्र में जीने की आदत है, और जब ये लोकतंत्र में जीने के लिए जाएंगे तो लोकतंत्र में कोई राजा तो होता नहीं, प्रत्येक प्रजा राजा होती है, प्रत्येक व्यक्ति यहां राजा होता है, और यदि इनको किसी व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए ईर्ष्या होने लग जाए तो ईर्ष्या कब होती है पता है? ईर्ष्या तब होती है, मान लो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है और यदि हमारे पास बढ़ने की कुवत ना हो, वो दो कारणों से होती है, या तो मैं परिश्रम करना नहीं चाहता हूं, या मेरे पास परिश्रम करने की क्षमता ही नहीं है। क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ईर्ष्या भी नहीं करेगा, लेकिन जो क्षमता होकर के वो परिश्रम करना नहीं चाहता है वो आगे बढ़े हुए व्यक्ति से ईर्ष्या करेगा। अब लोकतंत्र जहां पर प्रत्येक व्यक्ति राजा के समान होता है और सब अपने आप को राजा के समान मानने लग जाएं, अथवा हर व्यक्ति अपने आप को प्रजा के समान समझने लग जाए, तब जाके लोकतंत्र जीवित रह सकता है। नहीं है तो किसी को आगे बढ़ते देख करके हाथ में ताली बजाने की बजाय हाथ पीसने की बात आए, सुन रहे हो ना, देखो कैसा लगता है। ये करते ही अंदर एक अलग भाव पैदा होता है, ये करते ही अलग अंदर भाव पैदा, आप करके देखना, बैठे बैठे करके देख लो, जब ऐसे कर रहे हो तो आपके अंदर एक ईर्ष्या भाव, जेलसी पैदा हो जाएगी एक सेकंड के अंदर। ये मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, और जब आप ऐसे करते हैं तो एक अलग भाव पैदा होता है। इस मनोविज्ञान को जो व्यक्ति समझ जाता है
वो कभी भी दूसरे को निमित्त बना करके खुद के अंदर कर्मों का बेड़ा नहीं कराता। तो बस गांधी जी जानते थे कि इनको राजतंत्र में जीने की आदत है, ये प्रजातंत्र के अधिकारी बनने जा रहे हैं और एक दूसरे को देख करके यदि बढ़ती को देख के जलने लग जाएंगे तो ये लोकतंत्र को धराशायी कर देंगे, और यदि इनके अंदर परिश्रम करने में विश्वास होगा कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति आगे बढ़ गया मैं परिश्रम करूंगा मैं बढ़ जाऊंगा, तो ईर्ष्या की बात नहीं, मुझे अपने आप से प्रेरणा लेने की बात आएगी, क्योंकि दूसरों की बजाय अपने आप से अपेक्षाएं करना, क्योंकि दूसरों से करते हैं तो पीड़ा मिलती है और अपने आप से करने हैं तो प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा पाना है तो खुद से अपेक्षा करना, दूसरों को देखकर नहीं करना। तो बस जब दोनों धीरे धीरे करके एक दूसरे के परिश्रम पर विश्वास और पूरक बन के चलेंगे तब जाके लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। इसलिए लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सब मैं उसी को दूंगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो ऑफिस में बैठा है एसी में बैठ के प्लान बना रहा है मैं उसका अधिकार नहीं दूंगा, वो बनाए कोई बात नहीं, ऑफिस में बैठने वालों की भी आवश्यकता है और फील्ड पे काम करने वालों की भी आवश्यकता है, लेकिन ऑफिस में बैठे व्यक्ति मात्र ऑफिस में ना बैठे रहें, फील्ड पे जाकर भी समय दें, तब उनको भी मैं वोट डालने का अधिकार दूंगा। बहुत गहरी बात गांधी जी ने 1919 से समझ ली थी, जब भारत आज़ाद होने के लिए भी 28 साल पीछे था, लेकिन यदि गांधी जी संविधान बनने के बाद जीवित होते तो हमें लगता है आज कुछ ही लोगों के लिए वोट डालने का अधिकार होता। और अब जबकि एआई के हवाले आप अपने आप को कर दिए हो, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्यों इतनी अपने आप में परचम लहरा रही है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रमाद और बढ़ता जा रहा है, परिश्रम के प्रति तुम्हारी निष्ठा कम होती जा रही है, और परिश्रम के प्रति निष्ठा कम होने का ही परिणाम है तुम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो। ये सारे सूत्र एक दूसरे जुड़े हुए हैं, चाहे राष्ट्र धर्म हो, चाहे जिन धर्म हो, चाहे आज आपका वो धर्म हो जिसको आपने अपने बच्चों को कंपनी के हवाले करके मान लिया है। प्रमाद व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, ये कई जगह लिखा होता है, लेकिन शत्रु को कभी तुमने अस्त्र दिखाया कि आरती उतारी? रोज आरती उतारते हो, कैसे उतारते हो बताएं? प्रमाद 15 होते ना, कौन कौन से होते हैं, आप सबको तो स्वाध्यायशील हैं, कौन कौन से 15? पूरे 15 याद ना हो लेकिन एक तो आप सब जानते हैं, निद्रा, निद्रा को प्रमाद मानते ना, जब नींद नहीं आती तो जागने के लिए कभी कोई तुम परिश्रम नहीं करते, लेकिन नींद लाने के लिए अच्छा डनलप का गद्दा हो, अच्छा उस पर मखमली कवर हो, एसी चल रहा हो, लाइट रात में जाए तो जनरेटर की व्यवस्था हो जाए, इन्वर्टर लग जाए, मतलब अपने निद्रा रूपी शत्रु जो प्रमाद सबसे बड़ा शत्रु है उस शत्रु की पूरी आगवानी रोज करते हो, और जो अप्रमत्तता या जागृतपना है जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है उसके बारे में अनदेखी करते हो। बताओ शत्रु की आगवानी करने वालों, शत्रु आपसे शत्रुता निभाएगा कि मित्रता? शत्रुता ही निभाएगा। वो प्रमाद को जितनी तुम सुविधाएं दोगे और प्रमाद बढ़ाएगा। दुनिया में तमाम चीजें डिले करने के बाद कमजोर पड़ती हैं। अरे आपका उत्साह है, आपने डिले कर दिया कमजोर पड़ जाएगा, आपका पुरुषार्थ आपने डिले कर दिया कमजोर पड़ जाएगा, आपने पैसा कमाना चाहा आज नहीं कल करेंगे तो आप पैसे कमाने के मामले में कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन एक चीज है जितना डिले करोगे उतना मजबूत होगी, जितना उसको आप टालोगे उतना और मजबूत होगी, उसी मजबूत चीज का नाम है आलस और प्रमाद। आज नहीं अब कल देख लेंगे, अब प्रमाद और मजबूत हो गया, अब आज तो ठीक है तब अब और देख लेंगे बाद में, जितना तुमने डिले किया उतना तुम्हारा शत्रु और मजबूत हुआ, और फिर उसकी आगवानी में तुमने इतने साधन स्पष्ट कर दिए, फिर तो वो पावरफुल होकर के आता है, आता कि नहीं आता? महाराज नींद नहीं आती गोली खा के लाते हैं, नींद मन की खुराक है, आराम तन की खुराक है,
यदि आपने अपने शरीर से काम लिया है तो शरीर को आराम आवश्यक है, नींद आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जो मैं काउंट करता हूँ कि मैं लेट तो गया, नींद तो आ ही नहीं रही है, तो वो काउंट करने के कारण ज़्यादा नींद नहीं आती। 12 बज के अभी तक नींद नहीं आई, कब से पड़े हैं बिस्तर पर, 1 बज के नींद नहीं आई। अरे तू मन को ये बोल दे, हे मन, मैंने तेरे लिए आराम देने का काउंट डाउन शुरू कर दिया है, तुझे जब सोना होगा सो जाना, मेरा काम तो पूरा हो रहा है। तो जब ये मन निर्विकल्प होगा तो नींद आ भी जाएगी। और जिनको नींद नहीं आती, मैं उनको एक आसान तरीका बताता हूँ नींद लाने का, जो मिलिट्रियों में चलता है, क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा भौचक्के रहना पड़ता है, चौकन्ने रहना पड़ता, कब जाके कौन सी घटना घट जाए, ऐसे में उनकी जो स्लीपिंग साइकिल है थोड़ी डिस्टर्ब होती है। तो वो नींद कैसे लाते हैं, 4-7-8 का एक तरीका होता है। ये 4-7-8 क्या है, सुन रहे हो, जो नींद के लिए गोलियां खाते हैं उनकी गोली छुड़ाने का अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं, सुनना चाहते हो, डिप्रेशन में पहुंच गए हो चाहे कहीं भी पहुंच गए हो, 4-7-8। ये क्या है हमारा 4-7-8, 4 सेकंड तक श्वास लो, फिर 7 सेकंड तक रोक के रखो, फिर 8 सेकंड में उसको धीरे धीरे रिलीज करो, ठीक है ना। 4, 7, 11, 8, 19 सेकंड का एक साइकिल है, और ये चक्र 15-20 बार करना है मात्र। अब 19 सेकंड को 15-20 बार करने में कितना मिनट लगेगा, अधिकतम 4-5 मिनट। बस 4-5 मिनट तुम इतना कर लिए, चैलेंज है, नींद आ ही जाएगी। चार, और शुरुआत में आपको 15-20 साइकिल लगेंगे, फिर घटते घटते 7-8, और फिर देखोगे जैसे ही तुमने 4-7-8 शुरू किया, तुरंत निद्रा की देवी की दर्शन में चले गए तुम। इतना आसान है, लेकिन इसको ना अपना करके हम गोलियों पे गोलियां, गोलियों पे गोलियां, और वो गोलियां नींद कम लाती हैं, गोली ज़्यादा चलाती हैं। बस गया, एक बार गोली के शरण में गए तो गोली तो फिर शूट करती है। महाराज अभी तुम्हें गोली शूट कर रही है, बाद में तुम्हें शूट कर देगी। 4-7-8 ए मिलिट्री के जितने भी लोग इसको अपनाते हैं, क्योंकि उनको तो अनिद्रा की शिकायत बहुत होती है, पता नहीं कब कौन आ धमकेगा, चौकन्ना रहना पड़ता है, तो उनका स्लीपिंग साइकिल डिसऑर्डर हो जाता है। तो उस तरीके से सोते हैं वो, नींद की गोलियां खाने लग जाएं तो बर्बाद हो जाएं, तुम लोग उसी से बर्बाद हो गए हो। तो हम गांधी जी की बात कर रहे थे, बीच बीच में बहुत सारी बातें आ रही हैं, चूंकि आज़ाद भारत की बातें हैं, ये सब चीज़ें बतानी भी आवश्यक हैं। कोई ये ना समझ ले कि प्रवचनों में आज कौन सी बातें होने लग गई हैं, शास्त्र तो आगे रखा है, शास्त्र की बातें क्यों नहीं हो रही हैं, शास्त्र की बातें ही हो रही हैं, क्योंकि शास्त्र में ही बताया गया है स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। और स्वस्थ तन कैसे होगा, ये वो बताते हैं जिन्होंने शास्त्र की बातों को अपने जीवन में धारण कर लिया होता है। तो ये स्वास्थ्य स्वाध्याय हो रहा है, आपकी भाषा का हो रहा है, क्योंकि आप अपनी भाषाएं आप बदल चुके हैं, तो आपकी भाषा में आपको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब सुनो, जब किसी प्रकार से परिश्रम में विश्वास करना हमें आ जाएगा, तो लोकतंत्र में कभी एक दूसरे के ईर्ष्या के शिकार हम नहीं होंगे। कोई व्यक्ति परिश्रम करके आगे बढ़ गया, मेरे पास परिश्रम में विश्वास है तो मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं समय जाया उससे ईर्ष्या करने में क्यों करूं, मैं परिश्रम करने में करूं ना। लेकिन AI जब से आई है, आई का मतलब माँ होता है महाराष्ट्र में, AI, लेकिन ये अब दूसरी नई आई आ गई, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये तो आपको प्रमादी बनाने के लिए। सोचो, उतना तो फिर भी ठीक था इस सुविधाओं का प्रयोग, कि आप बैठे हो तो बैठने के लिए आपके नीचे तो पाठा लग जाए, अरे आप बोल रहे हैं तो बोलने के लिए आपको सामने माइक लग जाए, ठीक है, ताकि सब तक पहुंच जाए, इतना तो फिर भी ठीक था सुविधाओं का प्रयोग, आपके लिए नहीं किसी के लिए भी कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब बोले ना, सिर्फ आप सोचें पलक झपकते ही आपका मोबाइल खुल जाए, इतने भी तुम नाकारे हो गए, तुम्हारी बाजुओं में इतना भी ताकत नहीं बची कि तुम बटन दबा के मोबाइल चालू कर सको। खर्चा कायम में करते हो, पलक झपकते ही मोबाइल ऑन हो जाए, इसके लिए आईफोन। पहले दुनिया में 3 ही बुनियादी आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा और मकान, आज भी 3 ही रह गई हैं, बताएं, एंड्रॉयड फोन,
5G नेटवर्क और निठल्लापन, इन तीन में से एक कम है तो आप जी नहीं पाओगे। निठल्ले हो, एंड्रॉइड काम नहीं कर रहा, आईफोन काम नहीं कर रहा, बेचैन हो जाओगे। निठल्ले हो, एंड्रॉइड भी काम कर रहा है, 5G काम नहीं कर रहा, बेचैन हो जाओगे। 5G काम कर रहा है, एंड्रॉइड भी काम कर रहा है, निठल्ले नहीं हो। पहले लोग बोर होते थे जब अकेले होते थे, अब लोग बोर होते हैं जब अकेले नहीं होते, क्योंकि जब अकेले हो पाएंगे तभी तो अपनी गैलरी में पहुंच पाएंगे। समझते हो ना, गैलरी कौन सी होती है? पहले लोग जब अकेले होते थे तो बाजार में गैलरी में भी बाहर निकल के लोगों को देख लिया करते थे ताकि मन बहल जाए। अब लोग दूसरी गैलरी में पहुंच जाते हैं अकेले होने के बाद, ताकि मनोरंजन हो पाए। समझ रहे हो? महाराज आपको कैसे मालूम? हमने कहा ना, हमारे पास दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इनको खोल के पढ़ना पड़ता है और ये खुले होते हैं, जल्दी पढ़े जाते हैं। तुम तमाम तरह की स्कैनिंग कराने जाओ, MRI कराने जाओ, वो लाइट ऑन हो तब काम करती है। हम तुम्हारी स्कैनिंग लाइट बंद में भी कर लेते हैं। ये बात अलग है, स्कैन करने के बाद रिपोर्ट यदि पर्सनल है तो पर्सनल दे देते हैं, और पब्लिकली है तो पब्लिकली भी दे देते हैं। ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं पब्लिकली रिपोर्ट है, लेकिन किसी के यदि स्कैनिंग पर्सनल भी कर दी हो तो पब्लिकली नहीं करेंगे, उसको पर्सनल बता देंगे तुम्हारे मन में ये चल रहा है। महाराज स्कैनर कहाँ से लगा आपके पास? ये गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जब टावल लग जाता है ना, तो ऐसा स्कैनर उनके हर शिष्य में लग चुका होता है। अच्छा ये बता दो, जितने लोगों ने संकल्प पत्र भरे हैं वो शुरुआत में तो भाव क्या लेकर के आए थे, लेकिन स्कैन करने के बाद भाव जो दिमाग के गए हैं तब जाकर के उनके माथे पर आज पकड़ियां लहरा रही हैं कि नहीं ठीक स्कैन किया महाराज आपने। कुछ लोग तो ये कहने लग गए महाराज स्कैन तो आपने ठीक किया था, अब हम थोड़े से और ठीक हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।